क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन टू, ठीक है, पेज नंबर 260, सिंगल एंट्री सिस्टम। मिस्टर अंकिता, मिसेस अंकिता, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिसेस अंकिता, ठीक है, किसकी बुक है ये? अंकिता की बुक है। हर बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या लिया हुआ? पहला डेट क्या है? 1 अप्रैल 2011, और दूसरा डेट क्या है? 31 मार्च 2012। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012। इसका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हमें क्या मिले? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, है ना, ये डेट का इस्तेमाल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं हम लोग काय के लिए? टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ओके। यहाँ पे डेट क्या आएगा? 31 मार्च 2012, ईयर एंड का डेट लिखना है। कुछ आइटम्स दिए हुए हैं पर्टिकुलर्स में, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्सनल क्या है, पर्सनल सॉरी एसेट्स है कि लाइबिलिटी है। तो पहला आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी, क्वेश्चन मार्क, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और बैंक बैलेंस, ये सब क्या है हमारे लिए? एसेट्स है, ठीक है। तो ये सब जितने भी एसेट्स है वो कहाँ आएगा? एसेट्स कॉलम में जाएगा, और जितने भी लाइबिलिटी है सब लाइबिलिटी कॉलम में जाएगा, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, मिसेस अंकिता विड्रू 4000 फॉर पर्सनल यूज एंड शी रिसीव्ड 15000 फ्रॉम हर फादर एज गिफ्ट विच शी ब्रॉट इन टू द बिजनेस। तो पहले क्या किया? विड्रू के बारे में बताया था। विड्रू क्या हो गया? ड्रॉइंग, है ना, और उसके बाद फिर उसने क्या किया? 15000 रुपया उसके फादर से उसको गिफ्ट मिला। तो फादर से गिफ्ट मिला तो किसको मिला? अंकिता को मिला। बिजनेस से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। लेकिन वो जो फादर से उसको पैसे मिले, वो 15000 उसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? बिजनेस में। तो जब भी कोई ओनर बिजनेस से पैसा लाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में जो कैपिटल दिया वो क्या हो जाएगा? फर्दर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2011, एप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। तो इसका कैसे करना है सम सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट, राइट ऑफ 1000 एज बैक एंड प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हर बिजनेस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012। पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर देते हैं, उसके बाद बाकी का देखते हैं। सबसे पहले क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, बाद में कितना है? 12000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 10000। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स 26500, 31500, फर्नीचर 9000, then 19000, debtors 35 और 50000, stock in trade 15000, 19000,
बैंक बैलेंस। इसका टोटली कर लेते दो नौ ग्यारह ग्यारह नौ बीस और आठ अट्ठाईस कितना गेट करेंगे दो दो एक तीन चार पाँच नौ एक दस और दो बारह नौ पाँच उन्नीस आठ सत्ताईस दो मेरी क्या पाँच और दो सेवेंटी सेवन थाउजेंड यहाँ पे टोटल में कितना आएगा सेवेंटी सेवन थाउजेंड और यहाँ पे फाइव हंड्रेड पाँच और पाँच कितना हो गया दस एक के लिए किया दस और आठ अठारह एक के लिए किया एक और एक दो तीन पाँच और सात बारह सेवेंटी एट फाइव हंड्रेड देखो तो राइट है क्या ओके नेक्स्ट यहाँ पे पाँच और पाँच दस एक के लिए किया बारह और पाँच सत्रह एक के लिए तीन और चार सात क्या लिखेंगे यहाँ पे अब हमने प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑलरेडी ठीक है इसमें हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्या है क्लोजिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल हम लोग ओपनिंग के सामने लिख देंगे कितना है फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहाँ पे कितना है सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फिर नेक्स्ट अभी क्या है बाकी का एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं सारे एडजस्टमेंट हम लोग कब सॉल्व कर पाएंगे जब हमें क्या मिल जाएगा प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट और प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए ड्राइंग और फर्दर कैपिटल अगर क्वेश्चन में ड्राइंग और फर्दर कैपिटल है तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा उसके बाद ही हम लोग बाकी का डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट आरडीडी वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं तब कर सकते हैं कब जब हम लोग प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट निकालेंगे तब तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है वो मिसेस अंकिता विड्रू 4000 फॉर पर्सनल यूज यानी ड्राइंग है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो अब आपका अब आपका क्लोजिंग कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा 82500 फिर आगे दिया हुआ है कि शी रिसीव्ड 15000 फ्रॉम हर फादर एज गिफ्ट विच शी ब्रॉट इनटू बिजनेस तो उसने बिजनेस में पैसे लगाए भले ही उसको फादर से क्या हुआ था गिफ्ट मिला था तो भी तो ये जो है ये क्या है फर्दर कैपिटल और ये क्या होगा ड्राइंग ऐड करने के बाद वाले में से माइनस होगा 500 सेवन 12 माइनस फाइव सेवन और सेवन माइनस वन सिक्स तो आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना है 67500 और आपका ओपनिंग ऑलरेडी कितना है 45 तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको कि अगर आपका क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग कम है तो क्या होगा आपको प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो रहा है देखो माइनस करके सेवन माइनस फाइव टू सिक्स माइनस फोर टू तो 22000 का क्या है प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट अब एडजस्टमेंट में हमें क्या होगा या तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे या तो फिर क्या होगा कुछ इनकम होगा इनकम होगा तो हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट में ऐड करेंगे और एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे लेस करेंगे ठीक है वैसे मैंने ठीक है मैं इसका शॉर्टकट भी आपको दे दूंगा बाद में आगे क्या है एडिशनल फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1st अक्टूबर एंड डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10% अब यहाँ पे देखो ना फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला है और फर्नीचर ना दो वैल्यू है यहाँ पे एक 9000 है एक 19000 है तो शुरू में हमारे पास कितने का फर्नीचर था 9000 का और बाद में कितना हो गया 19 हो गया इसका मतलब तो ये ना हमने और फर्नीचर क्या किया होगा परचेज किया होगा ठीक है तो कब परचेस किया होगा और फर्नीचर और कितना फर्नीचर परचेस किया होगा तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको समझ में आ जाएगा वर्किंग नोट वन डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर, जो ओपनिंग फर्नीचर है ना वो कितना 9000, तो उसपे तो पूरे साल का क्या करो डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना 10%, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये जीरो यहाँ से, कितना बचा 900, तो 900 पूरे साल का है। फिर एडिशनल फर्नीचर या फिर क्या न्यू फर्नीचर, तो न्यू फर्नीचर कैसे मालूम पड़ेगा, आप समझ सकते हो कि क्लोजिंग में आपके पास कितना 19 है और पहले कितना था 9 था, यानी आपने और कितना फर्नीचर परचेस किया 10,000, और ये आपने कब परचेस किया है 1 अक्टूबर 2011, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को आपने क्या किया परचेस किया है 2011 को, तो अपना ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2012, तो अक्टूबर से मार्च कितना होगा, ये अक्टूबर है और अक्टूबर से मार्च अपना ईयर एंड है, तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना होगा 6 महीना होगा, ठीक है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे 10%, परसेंट मतलब समझते हो ना, पर सेंट, सेंट मतलब 100, 6/12, तो 6 1 6 6 2 12, ये जीरो यहां से कैंसिल हो गया, ये जीरो यहां से 1000 आया, 1000 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 900 + 500 कितना होगा 1400, ये क्या हो गया देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है बिजनेस के लिए एक्सपेंस, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और एक्सपेंस क्या होंगे प्लस होंगे या माइनस होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वर्किंग नोट लिखना जरूरी है 1, कितना 14, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला जो एडजस्टमेंट है वो क्या है राइट ऑफ 1000 एज बैड एंड प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। तो आरडीडी ऑन डेटर्स के बारे में कल ही मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि जो आरडीडी मतलब क्या होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम लोग डेटर्स पे कौन से डेटर पे हम लोग आरडीडी चार्ज करते हैं क्लोजिंग पे, ये ओपनिंग है ये क्या है क्लोजिंग है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे आरडीडी चार्ज करेंगे। तो क्लोजिंग कितना है डेटर्स 50,000, डेटर्स 50,000 आरडीडी चार्ज करने के पहले आपको देखो बैड डेट्स भी दिया होगा, तो जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स कितना दिया क्वेश्चन में 1000, आपके डेटर्स अभी बचे कितने के 49 के। डेटर्स मतलब कौन जिससे पैसा लेना बाकी है, अब डेटर हमारे कितने थे 50,000 के थे, उसमें से ऑलरेडी 1000 क्या हो गया बैड डेट्स हो गया, मतलब वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, तो कितना मिलने वाला है 49, तो डाउट भी कितने पे करेंगे 49 पे करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लेस आर डी डी, कितना परसेंट बोला है 5%, तो 5% हम लोग 49,000 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 49,000 × 5/100, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए कितना आएगा 50 × 0 59 × 45, कितना कैरी करोगे 4, 5 × 20 + 4 कितना होगा 24, तो आपका आरडीडी कितना आया 2450। तो हमें फर्दर बैड डेट्स की जरूरत है और आरडीडी की, तो फर्दर बैड डेट्स कितना 1000, और बैड डेट्स जो होता है वो क्या होता है बिजनेस के लिए लॉस होता है, जो हमारे डेटर्स पैसा नहीं देते, तो प्रॉफिट में से लॉस क्या होगा लेस होगा फर्दर बैड डेट्स 1000। फिर तीसरा क्या है न्यू आर डी डी वर्किंग नोट 2, ये क्या हो गया वर्किंग नोट
टू कितना आया 2450। अगेन आज कुछ ऐड करने के लिए नहीं आया, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कितना लेस करना वो लेस कर देते हैं। 50 चार और चार कितना होगा 8, एक और एक दो और दो 4, 22,000 क्या प्रॉफिट है, उसमें से एक्सपेंस कितना माइनस करो 4850, 0, 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 8, 1, और 11 माइनस 4, 7, और ये 2, तो 27,000, सॉरी ये 1 हो जाएगा, तो 17,150 क्या है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कल करते हैं, ठीक है, ओके।